हेलो बच्चों, तो द क्वेश्चन इज द स्लिट इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हैव इक्वल विड्थ एंड द सोर्स इज प्लेस सिमेट्रिकली रिलेटिव टू द स्लिट। ओके डियर, द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल फ्रिंज इज आई नॉट। इफ द वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड, द इंटेंसिटी एट द पॉइंट विल बी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो दिस इज ओवर S1 एंड दिस इज ओवर S2 स्लिट्स एंड दिस इज ओवर स्क्रीन, दिस इज ओवर स्क्रीन। सो हियर व्हेन वी ड्रॉ द डायग्राम, वेव डायग्राम, व्हेन लाइट रे लाइट वेव रीचिंग एट द सेंटर फ्रॉम S1 एंड फ्रॉम S2 फर्स्ट, व्हेन बोथ द स्लिट्स आर ओपन, सो वी गेट ब्राइट फ्रिंज। ओके डियर, वी गेट ब्राइट फ्रिंज एंड द इंटेंसिटी ऑफ दिस ब्राइट फ्रिंज इज गिवन बाय आई नॉट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो वी नो दैट आई नॉट इज इक्वल्स टू आई मैक्सिमम। लेट सपोज बोथ द स्लिट्स आर इक्वल इन साइज। अगर दोनों स्लिट्स इक्वल साइज की होगी और दोनों से निकलने वाली लाइट वेव की जो इंटेंसिटी अगर मैं आई कंसिडर करूं, तो यहाँ पे S1 कितना हो जाएगा बेटा, आई हो जाएगा, और S2 से निकलने वाली जो वेव है उसकी इंटेंसिटी आई हो जाएगी। तो हमें पता है कि आई मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है सेंटर फ्रिंज के लिए कितना होता है बेटा, 4 into I। तो फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन बाय 4I। एंड नाउ द सेकंड क्वेश्चन, द सेकंड केस इज इफ द वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज। सो व्हेन वी क्लोज दिस स्लिट, जब मैं अगर इस स्लिट को क्लोज कर देता हूँ तो क्या होगा डियर, कि इस स्लिट से कोई भी लाइट वेव पास नहीं होगी, तो सिर्फ जो भी लाइट वेव पास होगी वो S1 से पास होगी, और सेंटर फ्रिंज में जो भी लाइट वेव पहुंचेगी उसकी इंटेंसिटी किसके इक्वल होगी बेटा, आई के इक्वल होगी। तो सेकंड केस के अंदर जो हमारे पास में इंटेंसिटी है वो किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो हम यहाँ पहुंच बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मैक्सिमम होगी वो आई के इक्वल ही होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे पता लगा कि आई नॉट इजिकल्स टू 4I है, और आई जो है वो आई के इक्वल हो गया हमारे पास में। ठीक है, तो दोनों में अगर रिलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए, तो पहली इक्वेशन से हमें पता लग जा रहा है कि दोनों पहले से ही पता लग जा रहा है कि हमें रिलेशन क्या आ रहा है, या दूसरी से अगर हम बात करें तो रिलेशन में पता लग गया कि कितना हो जाएगा आई नॉट बाय 4, द इंटेंसिटी पॉइंट विल बी। तो कितना होगा आई नॉट बाय 4, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से आई नॉट बाय 4 हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन ने पूछा है कि जब सेकेंड को क्लोज कर देंगे तो पहुंचने वाली जो वेव है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। तो हमें पता है कि वहां कितनी पहुंचेगी आई, तो आई के वैल्यू यहाँ से कितना आ गया क्वेश्चन नंबर 1 से, आई नॉट बाय 4। तो द राइट आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 2, सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर, सो आई होप यू विल गेट द आंसर। थैंक यू वेरी मच।